मैडम ऐसी कोई बात, तुम जैसे लोग ना जानबूझ के ऐसे क्राउड वाले एरिया में लड़कियों को तंग करने और परेशान करने आते हो। मैडम मैम आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग ना लड़कियों को कमजोर समझते हो, तभी तुम्हारे अंदर लड़कियों को ऐसे छेड़ने की हिम्मत आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बिल्कुल सही? यही सारे लड़कियों को कमजोर समझते हैं। और गोपी जैसे सिक्का क्यों परेशान कर रहा है लड़की को? पर तुम्हें कैसे पता हम दोनों की लड़ाई चल रही है? और मैडम ऐसे बड़े पब्लिक एरिया में ना एक लड़की चीख चिल्ला के सिर्फ दो आदमियों से बात कर सकती है, या तो अपने भाई से या अपने पति से। और ऐसे पब्लिक प्लेस में खड़े होकर नाक में उंगली मारने वाला तुम्हारा भाई तो हो नहीं सकता, और पति तुम्हारा अभी तक कोई होगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें मिला ही नहीं था। सॉरी? हाँ ओ गोपी सॉरी बोल मैडम को। मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं तो जा रहा था, मैडम बीच में आगे बैठी है। झूठे, रुक अभी पुलिस को फोन करती हूं मैं। मैडम ज़रा शानी मत बन। ओ जुबान संभाल के बात कर, चुपचाप यहाँ से कलट ले, नहीं तो तेरे को पलट पलट के मारूंगा। ये देख मैडम गया वो। तुमने उस गुंडे को जाने क्यों दिया? मैडम उसके पास असली चूरा था, असली चूरा, असली चाकू, और मेरे पास नकली बंदूक, बच्चों वाली गन। हंसी तो फंसी, ऐसे 90s में होता था। एनीवेज थैंक्स फॉर द हेल्प। मैडम पहचाने हमको? याद नहीं आ रहा। ए मैडम कैसी बात कर रही हो, अभी 2 दिन पहले तो मिले थे तुम्हें सपने में। सपने में? अरे सपने मार्केट में नहीं मिले थे आपको, सपना कपड़ा मार्केट। हाँ, अच्छा तो तुम वही नकली गन वाले हो। ठीक है मैडम ठीक है, मजाक बना लो मेरा। मजाक नहीं तो क्या तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? ओ मैडम बनना भी नहीं किसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप मुझे डायरेक्ट तुम्हारा हस्बैंड बनना है। ये फ्लर्ट करने का तरीका कहाँ से सीखा? ओह इसको फ्लर्ट करना बोलते हैं। लो भैया कर लो बात। ये तुम बहुत अच्छी लगती हो, जब से तुम्हें देखता ना फटक से उठ के तुम्हारे पास आ जाता। अब हालत कुछ ऐसी कर दी है, नहीं चल सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। इसको बोलते हैं फ्लर्ट करना। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था? अरे अपन तो बहुत बिगड़े हुए शरीफ आदमी है, स्पेशल कस्टमाइज फ्रॉम गार्ड। अब ऐसे करो अपना नंबर दे दो, फट से तुम्हारा रिचार्ज करवा देंगे। इधर आओ, हमारे भैया की मोबाइल की दुकान है, हम उनके मोबाइल से चोरी छुपकर सभी का रिचार्ज कर देते हैं, तुम्हारा भी कर देंगे। दे दो अपना नंबर, दे दो जियो एयरटेल वेटा सभी का कर देंगे, नंबर दे दो बस एक बार। यार मेरा ना तुम्हें देखने को बड़ा मन कर रहा है। लो अल्लो भाई इतनी सी बात, अपनी आंखें खोलो। आंखें? जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरे जो हो जाते हैं, आना होश में मैं कभी, पायल बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? कॉलेज नहीं गया आज? ओ अंकल तुमको क्या कॉलेज ना जाए, ट्यूशन ना जाए, नहाने ना जाए, तो कैसी बात कर रहे हैं अंकल? संदेश मुझे बेटा बुला रहा है तो समझो ये मेरी क्या है। अरे बेटा बुला तो पापा पिताजी। नमस्कार बेटा, ये कौन बदतमीज लड़का है इतना? पापा ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। हाँ मैं इसका कॉलेज फ्रेंड हूँ, और फ्रेंड तो सभी के बदतमीज ही होते हैं अंकल। पापा बस लेक्चर्स में लग रहे थे तो कुछ खा पी के घर ही आ रहे। हाँ बिल्कुल, चलो घर हमारे साथ घर चलो। बाय बदतमीज। अरे ओ पायल क्या कब से फोन में लगी हुई हो? हम तुम्हारे लिए गोल्ड चेन लेके आए हैं, प्योर हॉलमार्क गोल्ड चेन। हाँ। वाओ पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, यही पैसे तुम जमा कर लेते, हमारे फ्यूचर में कितना काम आता। अबे ओ लड़की हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम पहले ही ऑलरेडी हमारा पैसा जमा कर रहे हैं। मेरा मतलब मैंने अभी से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया है। म्यूचुअल फंड? हाँ, म्यूचुअल फंड कुवेरा ऐप पे SIP के थ्रू हम 2-3 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने मुझे 30% तक का रिटर्न दिया है। कुवेरा एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें तुम भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे सब कुछ गोल बेस्ड है। जैसे तुम गाड़ी लेना चाहती हो, घर लेना चाहती हो या रिटायरमेंट का सोच रही हो तो वहाँ पे ऑप्शन आती है, वहाँ पे तुम पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो। और मान लो तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पर जा सकती हो। वहाँ पे तुम 30 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री देख के कंपेयर कर सकती हो और पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हो। बहुत अच्छी ऐप है कुवेरा। इसमें तो मैं भी इन्वेस्ट करूँगी। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? हेलो, हमें क्या पता तुम क्या बोल रही थी, तुम्हें पता होगा तुम क्या बोल रही थी। अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम ना बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो। ऊपर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल फन लविंग, बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे लिए। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्यार? अगर तुम दिन को दिन बोलोगी ना तो दिन मान लेंगे, रात को रात बोलेगी तो रात मान लेंगे। तुमने उल्टा नहीं बोल दिया, दिन को रात बोलूंगी तब तुम उसको दिन मानोगे ना। बस यही देख रहे थे हम कि तुम हमें कितना इंटरेस्टेड हो, हमारी बातों को कितना ध्यान से सुनती हो। तुम हमारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और तुम मुझसे बात पूछी थी ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, तो कसम गंगा मैया की, जब तक तुम्हारी आँखें झपकती रहेंगी ना तब तक ये दिल की धड़कन चलती रहेगी। जिस दिन आँखें झपकनी बंद होगी ना, गंगा कसम, ये दिल धड़कना बंद कर देगा। वाह 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 वाह, कितने फिल्मी हो तुम, तुम्हें तो मूवीज में काम करना चाहिए। अरे नहीं पगली, अपना यूट्यूब पे सही है। अब ना 6 महीने तक शादी भी कर लेंगे। क्या शादी? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे शादी को पप्पी थोड़ा, जो कहीं भी किधर भी कैसे भी कर देंगे। अरे बाबू, मेरा मतलब ये है कि शादी ब्याह बहुत बड़े फैसले इतनी जल्दी से कैसे ऐसे नहीं उठा सकते। पर जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन अभी हमारी उम्र ही क्या, अभी तो छोटे से, अभी तो जवानी है, ये भी तो मूछें आई है मेरी। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या हो गया। अरे वो समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, ये वाले मेरी शादी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या फिर 1 साल। गल्लो बात, अरे कैसे घर वाले तुम्हारे तुमसे प्यार नहीं करते क्या? इतनी की जल्दी उनको तुम्हें घर से विदा करने की? प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि टाइम रहते हो किसी अच्छे लड़के के हाथ में मेरा हाथ थमा दें ताकि वो अपने बच्चे को जिंदगी सुकून से जी पाए। अरे वो लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा ब्याह सिर्फ मुझसे होगा और ये बात अपने घर वालों को अच्छे से समझा दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ओ सैंडी की गैंडी, मतलब मेरी रानी, तुम्हें बोल दिया है ना कि अभी 2 साल शादी नहीं कर सकते, अपने घर वालों को समझाओ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी रानी घर वालों को समझा देगी। अरे यार, बड़े भैया के कॉल पे कॉल आ रहा है, चलो हम फिर मिलते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, मुझे पता है घर वालों को मना लोगी। मुझे समझ नहीं आ रहा संदेश, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? बाबू 2 साल रुक के क्यों? ए बेबी, बाबू नहीं बल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, लेकिन जब शादी करने बोलेगी ना तो सल्लू बन जाऊंगा। खैर, जोकिंग की बात छोड़ो, अरे तुम समझने की कोशिश करो यार, हम सिर्फ तुम्हारे और तुम सिर्फ मेरी हो, तो कहा इतना डोल ले रही हो यार। 2 साल तो यूँ निकल जाएंगे यूँ। मुझे पता है, तुम्हें पता है, 2 साल यूँ निकल जाएंगे, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना। अरे रुको, अभी तुम्हारे पिताजी को फोन फ्रेंड कर ही देते हैं, रुको रुको मैं कर लूँगी उनसे बात। पक्का? हाँ। ये बात। The number you are calling is currently switched off. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, number you are calling is currently switched off. कैसी हो? यार तुम्हारी फ्रेंड पायल कहाँ पे? 2 दिन से उसका कुछ पता ही नहीं है, मैं फोन लगा रहा, फोन स्विच ऑफ बता रहा ससुरा, क्या बात है? यार 2 दिन से मैं भी उसको फोन कर रही हूँ बट उसका फोन बंद आ रहा है। लो आज तुम्हें भी कुछ नहीं पता उसका, चलो खैर थैंक यू। 2 दिन हो गए ना कोई फोन ना मैसेज ना कोई अता पता, और ससुरी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रही अभी तक। नीचे कुछ शादी का कार्ड तो बना दीजिए। अरे अब किसका में आ गया? शायद किसी पागल नाम की लड़की का है। पायल की शादी का मेरे से होगा, हम बोले थे उसको, उसने सोच भी कैसे लिया किसी और के साथ शादी करने को। कसम गंगा मैया की, अगर उसका ब्याह किसी और के साथ हुआ ना पूरे शहर में आग लगा देंगे हम। तुम्हें खुश देखने के लिए माँ कहती तुम पे थोड़ा वक्त ताकि कुछ पैसा जोड़ पाए और तुम्हें दुनिया की वो हर खुशी दे पाए जो कोई हस्बैंड किसी वाइफ को दे पाता होगा। तुम सोच भी कैसे नहीं तुम्हारा ब्याह किसी और के साथ होगा, हम होने देंगे तुम्हारा ब्याह किसी और से। अरे पिताजी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज लड़के वाले को कॉल लगाइए और बोलिए कि आप अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं कर रहे हो, प्लीज लगाइए फोन अभी कॉल। बेटा किसको बोल रहा है, लड़का तो खुद ही चल के हमारे पास आ गया। भी तो हो बेटा, तुम ही हो वो लड़की जिससे हम अपनी पायल की शादी कराना चाहते हैं। तुम्हारी बात कर रहे हैं ये। पापा आप मेरी मैरिज की टेंशन मत लो, मैं अभी 1-2 साल रुक के शादी कर लूंगी ना। पायल इतनी जिद पे क्यों उड़ी है, 2 साल ये क्या चक्कर क्या है ये? पापा मम्मा एक्चुअली मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ और वो भी 2 साल शादी नहीं करना चाहता। अगर आपने लड़का अप्रूव किया तो अच्छा होगा। बेटा सोच लो एक बार, आजकल के प्यार बहुत फीके हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि वो लड़का तुम्हें खुश रखेगा, वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसको अभी शादी नहीं करनी है लेकिन मुझे उसके प्यार पे पूरा यकीन है। अगर उसको पता चला कि मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है तो वो अभी के अभी भागता हुआ मुझसे शादी करने के लिए आ जाएगा, ना कि अपनी शादी जल्दी करने के डर के कारण मुझे किसी और का होने देगा। बेटा हम आपकी बोली हुई बात पर कैसे यकीन कर लें? मेरे पास एक प्लान। आप लोगों को बोला था ना कि वो शादी का कार्ड देख के इतना पागल हो जाएगा कि एक बार कार्ड को अंदर से खोल के भी नहीं देखेगा। लो कर लो बात, एक बार कार्ड को अंदर से खोल के तो देख लेते। अरे ओ, ये तो मेरा ही नाम लिखा है संदेश। लोहिया लोहिया। आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और गाइस कुवेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, बहुत ही अच्छी ऐप है। अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो कुवेरा एप्लीकेशन पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी 0% चार्जेस पे। और डाउनलोड कर लो इसको, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाओ वहां से लेकर डाउनलोड कर लो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज सुमेश, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।